Hey friends, merhaba, I am your Samir Aziz and your Samir Aziz is here again with you for you in your own show, Smile with Samir Aziz. Friends, you must be ready to flaunt your smile always with lots of positiveness, support a smile, peace. Friends, आज हम आपको मिलवाने वाले हैं टीसी द मेंटलिस्ट से. अब वो कौन है, क्या है, क्या करते हैं, ये तो आपको उनसे मिलने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन मैं आपको इतना जरूर बताऊंगी कि वो करेंगे आपको बहुत सा एंटरटेन. लेकिन उस एंटरटेनमेंट के साथ साथ होगी बहुत सारी अमेजिंग थिंग्स, सरप्राइज करने वाले हैं वो आपको. और वो कैसे करेंगे वो तो आपको उनका इंटरव्यू देखकर उनसे मिलने के बाद ही पता चलेगा. तो जस्ट बी रेडी टू बी सरप्राइज, लेट्स गो एंड हैव अ लुक. आइए टीसी द मेंटलिस्ट. नाम था यश. यश व्हाट? Hi, how are you? Hi, I'm good. Welcome, I'm welcome good. To the show. जी, ये a pleasure here. मुश्किल है आपका जो profession उसको pronounce करना. और मैं oh no, let me just the mentalist. हाँ, the mentalist. नहीं, मेरा नाम है TC, you know? TC. Yeah, TC the mentalist. TC the mentalist. Okay, मैंने कहा ये क्या है यार, ये क्या है? मैंने ना गूगल भी किया कि ये कौन सा वर्ड है, मैंने कभी सुना नहीं. मेंटलिस्ट, तो मेंटलिस्ट मींस माइंड मैजिशियन, मतलब एक मैजिशियन जो आपके दिमाग को पढ़ेगा एंड एवरीथिंग, लाइक अ माइंड रीडर टू बी वेरी प्रिसाइज. सो क्या मैं एक्सपेक्ट करूं आपको कि आप का आईक्यू लेवल बहुत तेज होगा, समथिंग? नहीं, आईक्यू लेवल तेज नहीं है, बट आई नो हाउ पीपल थिंक, आई नो हाउ टू एनालाइज दोज थॉट पैटर्न्स, एंड आई कैन रीड पीपल, आई कैन इन्फ्लुएंस देम टू थिंक अबाउट समथिंग एंड स्टफ लाइक दैट. ओके, मुझे आप अपने इस काम के बारे में बताएं और हमारे ऑडियंस को बताएं कि और ये किस तरह से हमारी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज ला सकता है. यस, सो I'm a performer. I perform all over, all around the world. Not right now, क्योंकि right now the world is under lockdown. Yes, so I perform all around the world and I do mind reading. I have been a semi-finalist, a top 8 of India's Got Talent. I've been on ZTV. Yes, I have been on ZTV Big Celebrity Challenge twice. I've been on Z Super Talents as a showstopper performer. Even I had my own, you know, street magic special over here where I did so many stunts, like I rode a bike blindfolded completely. I made a car out of appear out of nowhere. So I do these kind of, you know, mentalism, mind reading, all these stuff. So magic, it is basically magic, but not the traditional form of magic. It is the form of magic that deals with human mind, जो आपके दिमाग के साथ डील करता है. तो ये डेली लाइफ में ऐसे काम होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू सी माय शो, माय लाइक आई एम डूइंग ओनली कॉर्पोरेट ऑनलाइन शोज नाउ, बट इफ आई डू अ टिकेटेड शो, यू विल गेट अ वेरी एंटरटेनिंग टाइम ओवर देयर. और बाकी आई विल कीप द सीक्रेट की डेली लाइफ में इसका क्या असर है. अच्छा, हमें एज अ जर्नलिस्ट जब ट्रेनिंग मिली थी तो हमें कुछ खास टेक्निक सिखाई गई थी. जैसे अगर हम किसी पॉलिटिशियन से बात कर रहे होते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो हम वो नहीं सुन रहे होते जो वो कह रहे होते, जो वो नहीं कह रहे होते हम वो सुन रहे होते हैं. और ये कुछ स्पेशल टेक्निक्स होती हैं, बॉडी लैंग्वेजेस होती हैं, और ये और फिर हम उसी के मुताबिक उनसे सवाल करते हैं. और कई दफा लोग मुझे कहते हैं, बल्कि शो में कल भी वो कह रहे थे कि वो शायद जो अंदर से सोच के रहे होते हैं, कह कुछ रहे होते हैं, जब हमारा सवाल दागा जाता है तो उनको अपने अंदर की चीज कहते हैं कि ये इन्होंने आगे से क्या बोला. ये कुछ स्पेशल चीजें होती हैं. आपकी जो ये फील्ड है, द मेंटलिस्ट आप हैं, हमारी फील्ड से कैसे मुशाबहत रख सकती है, या क्या ये वही चीज है जिसकी ट्रेनिंग कहीं ना कहीं हमें भी दी गई थी, जर्नलिस्टों को दी जाती है? थोड़ा बहुत तो सिमिलर है इसमें, क्योंकि आई ऑलवेज आल्सो एनालाइज थॉट पैटर्न्स एंड यू नो आई इन्फ्लुएंस पीपल. आई यूज द फाइव सेंसेस दैट वी हैव, जो हमारे पास पांच सेंसेस है, आई कंबाइन देम एंड गिव यू द एक्सपीरियंस ऑफ द सिक्स्थ सेंस. ओके, यस, सो दैट्स माय जॉब. तो इसके बारे में बताने से अच्छा है मैं आपको दिखा सकती हूँ. हाँ, दिखाएं. मैं आपको दिखा दूँ?
आपको दिखा सकता हूँ। तो एक इसके लिए काम करते हैं हम दोनों ने कोई सेटअप करके तो नहीं रखा है, पर ऑडियंस का भी थोड़ा सा पार्टिसिपेशन ले लेते हैं इसमें से। तो क्या है, मैं क्विकली प्लेइंग कार्ड्स को इस्तेमाल करूंगा। इस बॉक्स में 52 डिफरेंट प्लेइंग कार्ड्स हैं, पर एक कार्ड मैंने उल्टा रखा है ऐसे। वन कार्ड इज फेस डाउन, ऑल द अदर कार्ड्स आर फेस अप। सो वन कार्ड हियर इज फेस डाउन, ऑल द अदर कार्ड्स आर फेस अप। नाउ क्विकली विच कलर वुड यू वॉन्ट, आस्क द ऑडियंस टू कमेंट। आई वुड लाइक द ऑडियंस टू कमेंट, रेड और ब्लैक, व्हाट वुड यू लाइक, रेड और ब्लैक? जल्दी जल्दी लिखे ऑडियंस, रेड और ब्लैक? रेड और ब्लैक, क्योंकि जल्दी बताएं, क्योंकि कार्ड्स में दो ही तरह के कलर्स होते हैं, रेड एंड ब्लैक। तो कौन सा कोई भी एक कमेंट, somebody saying red, दो लोग रेड, ओके। तो समीरा मैं आपके पास आऊंगा रेड, क्योंकि अभी तक दो लोग बोल चुके हैं रेड, तो आप रेड चूज कर रही है। तो रेड में से हार्ट्स होता है, डायमंड्स होता है, आप कौन सा लेना चाहेंगी, हार्ट्स या डायमंड्स? हार्ट्स। Hearts, ठीक है। अभी एक से दस के बीच में कोई भी नंबर ऑडियंस को कमेंट करने के लिए कहे, एक से दस के बीच में कोई भी नंबर, क्योंकि कार्ड्स में बहुत सारे नंबर्स होते हैं और पिक्चर कार्ड्स बहुत ही कॉमन हो जाते हैं, तो हम नंबर्स के साथ खेलेंगे। एक से दस के बीच में, फ्री चॉइस, और ये डेक फ्रेम के बाहर कभी नहीं जाएगा। तो ऑडियंस एक से दस तक जल्दी से कोई नंबर बोले। सेवन, मिस्टर अरमान कह रहे हैं सेवन। Okay, so do you want seven or do you want to take another number? Up to you, up to you. Yes, seven le lete. Seven lete hai. Okay, so red hearts seven. Samira, aapke upar hai. Kya aap isme se koi bhi decision change karna chahengi? Nahin. Are you sure completely? Yeah. Yes, so red hearts seven. And as I said, iske andar ek card sirf ulta rakha hai maine. I'll show you. I'll bring out all the cards. There's nothing in the box. I'll spread through like this, as you can see. And I kept one card here turned upside down, as I promised. You see, no other card is turned upside down except for this one, right? Sabhi ne milke choose kiya, audience and you all together selected what card? कौन सा कार्ड आप लोगों ने चॉइस किया? सेवन ऑफ हार्ट्स, राइट? रेड, रेड हार्ट सेवन। सेवन, मैंने भी वही कार्ड। जबरदस्त रेड। नहीं, ये हमें नहीं सिखाया जाता हमारे जर्नलिज्म में। ये तो ट्रिक हो गई ना, ट्रिक। ये ट्रिक्स, दिस इज समथिंग बेस्ड ऑन इन्फ्लुएंसिंग, हाउ यू, आई एम गोना इन्फ्लुएंस एंड आई एम गोना रीड योर चॉइसेस। बाय द वे, 95% of the people will go for seven of hearts. Just a heads up. कैसे, क्यों? Because, see, the way, if I ask you right now, if I ask you, Samira, कि I want you to think like this is a blank screen. Imagine कीजिए ये एक screen है, और मैं चाहूंगा कि इसके अंदर आप एक simple सा geometric shape सोचिए, not a square, क्योंकि screen तो square ही है. Simple, not like an octagon or hexagon, but simple sa geometric shape. अभी आप दिमाग में सोचिए, और फिर उसके बाहर एक और दूसरा simple geometric shape सोच लिया आपने. दो shape अभी आपके दिमाग में है क्या? एक पहला, एक simple, या? तो कहीं ना कहीं आप जाके triangle और circle सोच लेंगी. Correct? So That is generalizing the basic psychology. क्योंकि लोग ज्यादा मतलब difficult way से सोच नहीं पाएंगे अगर आप उनको एक frame में डाल देंगे. And in most of the psychological cases, if I tell you, now I cannot tell you how I did that, but if I tell you, if you ask someone to name a number between 1 and 10, they would generally say 5 or 7. But now you'd have to be sure कि कौन क्या बोलने वाला है, दैट कम्स अंडर द प्रोफाइलिंग। वाओ, मजा आया। आपके तो इवेंट्स बड़े जबरदस्त होते होंगे। और आई ट्राई टू मेक इट, यस यस यस, आई ट्राई टू मेक इट, यू नो, कंपनी, एंड आई वुड लाइक टू ब्रिंग यू, यू नो, इन सऊदी अरेबिया फॉर दैट। पीपल विल एंजॉय। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। आई हैव बीन टू मेनी प्लेसेस अराउंड द वर्ल्ड एंड एवरीथिंग, एंड व्हेयरएवर आई हैव रेड माइंड्स और इन्फ्लुएंस देम लाइक दिस,
people always give this crazy reaction that how can you do this? Teach us, we want to do this with our, you know, partners or in our office. Hum log janna chahenge hamare boss ke dimag mein kya chal raha hai. तो ऐसा कुछ तो तो बेसिक चीज सो आई टेक दीज फाइव सेंसेस एंड द जनरल साइकोलॉजी आई कंबाइन देम एंड गिव यू द एक्सपीरियंस ऑफ सिक्स सेंस कि एक ही कार्ड यहाँ पे उल्टा था वो था आपका सेवन ऑफ हार्ट्स यहाँ पे एक ही कार्ड उल्टा था वो था आपका सेवन ऑफ हार्ट्स तो वो कैसे मुझे पता चलेगा कि सेवन ऑफ हार्ट्स ही रखना है ऑडियंस कोई भी अलग कलर कमेंट कर सकता था आप हार्ट्स के जगह मतलब डायमंड भी ले सकती थी फिर सेवन तो एकदम रैंडम चॉइस था कोई कुछ बट दैट्स हाउ जनरलाइजिंग द थॉट प्रोसेस पुटिंग यू इन अ स्पेस सो यू कैन गिव मी द एग्जैक्ट थिंग्स दैट आई वांट यू टू गिव तो इस तरह की बहुत सारी ट्रिक्स वगैरह आप करते होंगे और कैसे आपने इसकी प्रैक्टिस रहती है कैसे आप इसकी तरफ आए सो आई स्टार्टेड व्हेन आई वाज इन स्कूल And it's self-taught. I didn't have a teacher because back then in India, nobody knew about mentalism or mind reading. I mean, not many people even know about that back then. Now it's a big thing. A lot of people are taking interest in mentalism and mind reading. So I started self-taught and then I started practicing. Now I saw that magic, traditional magic se leke dusra ek पोर्शन है मैजिक का क्लोज अप मैजिक कह के वो क्लोज अप मैजिक में साइकोलॉजी का बहुत बहुत इम्प्लिकेशंस होता है तो वो क्लोज अप मैजिक को लेकर आई स्टार्टेड रिसर्चिंग एंड डेवलपिंग माय ओन ट्रिक्स एंड यू नो स्टफ लाइक दिस एंड दैट्स हाउ इट ऑल बिगन फिर तो आई वेंट ऑन इंडियाज गॉट टैलेंट एंड देन आई रेड यू नो करण जौहर्स माइंड ऑन नेशनल टेलीविजन So, yeah, he was freaked out. Later on, last year, I had another TV special over here in, you know, India, West Bengal. So I read Saurav Ganguly, you know, right now he is the head of BCCI and one of the greatest captain Indian team ever had. So I read Saurav Ganguly's mind also on national television. So he was thinking of a 4-digit number and I read it. Basically he was thinking I wrote it down on my hand I asked him what was the number he said and it matched right acha ye jo show hai aur sare shows usme celebrity managed by bjm entertainment jo hai wo hamare liye manage karti hain ye jo show hai ye collaboration hai with Brain Bagadia from BJM Entertainment and Mayur Gupta or Samira Aziz Entertainment Saudi Arabia se Saad Abdul Latif ये टीम का जो है हमें नाम बताना होता है कल मैं भूल गई थी लेकिन जब हम ये शो एडिट करके लगाते हैं यूट्यूब पे और फिर बूस्ट करते हैं हम वो वीडियोस को मिडिल ईस्ट में तो फिर मैं शुरू की और आखिर की अलग से जो है वो क्लिप जो है एडिटर को देती हूँ और फिर वो हम एक शो पूरा बना के फिर हम उसको लगाते हैं अच्छा मुझे ये बताएं आप मैरिड हैं कि बैचलर हैं आपकी बीवी तो बड़ी खुश रहती होगी आपसे Yes, I'm married. I got married 1.5 years ago. उसका माइंड तो अब हमेशा रीड रीड में रखते होंगे आज ये सोच रही है हमेशा नहीं बट कभी कभी हाँ कभी कभी जब भी मुझे लगता है कि मैं मुश्किल में पड़ने वाला हूँ तब मैं आगे से रीड कर लेता हूँ कि क्या क्या होने वाला है अब तो वो मैं रीड कर लेता हूँ सेफ साइड यू नो देयर इज एन एडवांटेज ऑफ बीइंग अ मेंटलिस्ट तो बहुत सारे लोग अपनी अपनी बीवियों को लेके आपके पास आते तो नहीं है या पड़ोसी पड़ोसी भी के हमारी जरा बीवी को रीड करना फिर बाद में मिलेंगे फिर बताना क्या क्या सोचती है ऑफर्स तो ऐसे आते हैं पर मैं हमेशा डिक्लाइन कर देता हूँ क्योंकि नहीं नहीं आई वुड लाइक टू हाँ किसी का घर तोड़ना नहीं है किसी का घर अभी बसाना भी नहीं है तो हाँ ठीक है सही हम चाहते हैं कि आप हमें बताएं कि डोनाल्ड ट्रम्प इस वक्त क्या सोच रहे हैं वो ट्रम्प उसके लिए तो ट्रम्प के सामने होना पड़ेगा और फिर शायद नहीं लगता उसके बाद भी मैं कुछ रीड कर पाऊंगा क्योंकि मतलब यू नो व्हाई यू माइट गेस सो लेट मी शो यू अनदर थिंग डू यू प्ले विद दिस समीरा हैव यू एवर प्लेड विद दिस रूबिक्स क्यूब राइट मेरे ख्याल में ऐसा कोई इंसान नहीं जिसने बचपन में ये ना खेला हो और बहुत लोग खेलते हैं
बहुत बहुत खेलते हैं, बहुत सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, मतलब इसको ऐसे ऐसे घुमा घुमा के लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, पर इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है, मतलब लोग ये इसको ऐसे ऐसे घुमाते हैं ना, फिर सोचते हैं कि कलर्स पैटर्न में आ जाए, नहीं, दो तरीके होते हैं इसको सॉल्व करने का, एक है कि आप वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन याद रखिए, फिर पैटर्न्स के हिसाब से इसको सॉल्व कीजिए, दूसरा एक और तरीका होता है, and this is a normal cube, but if I shake it like this, you can see all the colors will go back. Oh, अच्छा ये ऐसा भी होता है? नहीं ऐसा तो नहीं होता है, पर मेरे लिए सिर्फ होता है. Oh. अच्छा. So it got solved instantly. And honestly, there is no switch or something like that. I even do this live in my show. हाँ हाँ हाँ. अगर मैं ओटी में आपसे ये लेके या फिर मैं खुद भी करके देखती, मुझसे भी होता है कि नहीं? Yeah, absolutely, absolutely. नहीं होता तो नहीं, पर हाँ, there's a in my show I usually do one bit where I call up a spectator. Now I perform for 50 people and I perform for 500 people. बहुत सारे लोग होते हैं और बहुत डिफरेंट तरीके के ऑडियंस मुझे मिलते हैं मेरे लाइव शोज में, बिकॉज आई मोस्टली परफॉर्म फॉर कॉर्पोरेट, यू नो, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट कंपनीज एंड सम प्राइवेट पार्टीज आल्सो, सो आई गेट अ लॉट ऑफ पीपल एंड आई कॉल अप समवन एंड आई गिव देम द क्यूब कंप्लीटली मिक्स्ड अप, दे मिक्स इट अप बिहाइंड देयर बैक एंड इन देयर माइंड विदाउट लुकिंग, दे थिंक दैट दे आर सॉल्विंग इट. And when they bring it out, it is actually solved. Oh. Yeah, there's a video of this on my YouTube channel, TC The Mentalist. There's a video of this or on my Facebook page. Yeah. Yes, Facebook page or YouTube channel. दोनों में से एक में है ये. Yeah, नहीं, दोनों में ही है. That I do this. I have done this in a show in Thailand. Yeah, so you will get to see that. That video is there. कभी आपने कोई ऐसा शो किया है जहाँ पे लोग आपकी लैंग्वेज ना समझते हो, फिर आप उनसे कैसे जो है उनके साथ बात कर रहे होते हैं, कम्युनिकेशन, बिकॉज योर शो इज अबाउट द कम्युनिकेशन, आप बात करनी पड़ती है उसमें. हाँ, बात तो करनी पड़ती है. हाँ, उसमें सो आई डू स्टफ दैट आर मोर विजुअल, यू नो, स्टफ लाइक दिस दैट आर मोर विजुअल टू द आईज इंस्टेड ऑफ टॉकिंग, सो पीपल कैन इजीली रिलेट एंड देयर इज नो हेजिटेशन, देयर इज नो, यू नो, मच मोर difficulty in communicating, because magic in a way is a medium where you will connect with people emotionally and, you know, logically even, but you don't even need to speak. Now us tarike ka cheez tab main karta hu, par zyadatar jagah pe you know, people definitely understand English since I perform almost 500, actually not almost, more than 500 shows up until now, so almost in all of them I use English as a medium. So ho hi jata hai, but jab mujhe client keh dete hai ki yahan pe language ka thoda sa problem hai, aapko communicate karne ke liye koi dusra upay sochna hoga, so I prepare visual stuff over there. तो आप हर शो के लिए उसकी ऑडियंस के मुताबिक पहले से प्रिपेयर करते हैं? यस यस एब्सोल्युटली, बिकॉज़ यू हैव टू थिंक अहेड, यू हैव टू थिंक अहेड, नो योर ऑडियंस बेटर. सही. या हमारे पे सवाल आया है, सफा पूछती हैं कि हाउ टू फिगर आउट वेदर अ पर्सन इज लाइंग हैज टू बी द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर मेनी पीपल एज दे कांट नो द डिफरेंस. Okay, so you'll find this in many body language, books that are there. But very quickly, I'll tell you, there are three things basically to look out whether the person is lying or not. Or jab bhi koi matlab jhoot kehta hai, to then they will be, a bit nervous. No matter how good they are at lying, but they will be a bit nervous. So generalizing agar karna hota hai, to that person who is lying will not make direct eye contact with you. True. Yeah. Okay. Uh-huh. They will either look left or right while speaking to you, while trying to put that lie in a better state. Dusra ek aur hota hai, Pinocchio effect kehke. Pinocchio effect is a thing, and you will, if you go online and if you search, you might find about this. Pinocchio effect hota hai,
बहुत सारे लोग ऐसे बिल्ट इन होते हैं जिनके एड्रेनलिन रश की वजह से उनके नाक पे ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा होते हैं, तो जब वो लाई व्हेन दैट पर्सन इज लाइंग द एड्रेनलिन रश विल बी ऑन देयर नोज, द ब्लड रश विल बी ऑन देयर नोज एंड दे विल कीप ऑन डूइंग दिस और विल बी डूइंग दिस कंसिस्टेंटली, सो यू नो दैट दे आर लाइंग और मेकिंग स्टफ अप तो ये एक और होता है, एक दूसरा एक और होता है ये करना कंटिन्यूअसली कहते कहते ये करना, ये क्या होता है ये, मतलब दे आर ऑल्सो नर्वस एंड दे आर टैपिंग एंड मेकिंग द स्टोरीज अप, दीज आर द बेसिक थ्री थिंग्स। तो कभी कोई CIA वाले तो नहीं आपको या पुलिस वाले आपको यूज करते हैं, चलो हमारे साथ नहीं, नहीं, I come out strictly as a professional entertainer and a professional entertainer only. I do not do all those stuff. तो कितने घंटे का शो रहता है आपका, कितनी देर तक आप शो को खेल सकते हैं? मेरा शो यूजुअली रहता है 45 मिनट्स का, बट व्हेन आई एम डूइंग अ थिएटर टाइप शो यू नो विद द थिएटर सेटअप एंड एवरीथिंग इट गोज up until 90 minutes. It's a 90-minute show with full construction, yes, of a beginning, middle, and end. And when I'm performing for corporates, it's usually for 30 to 45 minutes. Because that's enough for their mind to be read. नहीं, लोगों को attentive रखना, अपने साथ जोड़े रखना, continuously for 90 yes, minutes. Yes, absolutely. It's very challenging. Yeah? Yes, it's very challenging. And I've been doing it for the past, you know, 12 years. So it is challenging still, but it's fun. The most beautiful thing. Yeah, it's the most beautiful thing when they gasp, when they don't know how it's done. अभी जद्दा सीजन्स में हमारा बल्कि एक था कि जो कोरोना की वजह से नहीं हुआ जद्दा सीजन, तो वीरेन बगाड़िया जैसे मुझे रिमाइंड करवा रहे हैं कि हमने इनको जद्दा सीजन के लिए भी है बुलाया। Yes, वीरेन जी के साथ मेरा बात हो चुकी थी एंड वी वर सपोज टू गो टू यू नो योर प्लेस एंड एंटरटेन ऑल योर पीपल फ्रेंड्स एंड फैमिली, बट हाँ अभी कोरोना वायरस ने हम सबको घर बंदी बना। कोई बात नहीं, ये मौसम चला जाएगा और जद्दा का मौसम आएगा। एब्सोल्युटली फिर से आएगा। तो इंडिया से बाहर आपने कहाँ कहाँ परफॉर्म किया हुआ है? So I have performed in Europe, almost in Germany, in France, in Prague, in Czech Republic, and I have performed in Malaysia. I have performed in Thailand. So all over India, to hai. Yeah. So I have traveled almost more than half of the world, and I have performed in many different continents. अभी US जाने का भी बात था इस साल, पर नहीं हो पाएगा. और आगे आप कुछ बताना चाहते हैं, कुछ दिखाना चाहते हैं, कोई ट्रिक है मजीद आपके पास? दिखाए यस। तो एक काम करते हैं, बहुत ही सिंपल सा काम करेंगे। आपके पास कोई दूसरा फोन वगैरह है? दूसरा फोन मेरे पास टैब है। दूसरा फोन टैब है? ओके ग्रेट, यू कैन यूज द टैब, उसमें इंटरनेट कनेक्शन है? इंटरनेट कनेक्शन है उसमें। ओके ग्रेट, सो कैन यू जस्ट फायर अप द ब्राउजर ऑन दैट टैब, जस्ट गो टू द ब्राउजर पे चले जाइए। एंड समीरा, one thing before we start, do you have any idea what I'm going to do right now? No. You have no idea, right? No. That's the thing. So what I want you to do is, I want you to, aap Wikipedia search karte? Matlab Wikipedia mein koi information search karti hai aap? Sometimes, right? We all search Wikipedia for something sometimes. Do you know how many articles are there in English Wikipedia? Bahut hai. So many. बहुत है। There's a website, there's a live website. It's called, Google Wiki article count. Google Wiki article count. मैं लिखूँ? Google, हाँ, Google में कीजिए Wikipedia article count या फिर Wikipedia article count. Wikipedia करके सर्च कीजिए।
Wikipedia. Article count. Article count. Yeah. You have, now there should be a website called WikiCount that shows you the exact, you know, can you scroll and see there's a, Wiki live article count. नीचे देखिए विकी, नीचे देखिए विकी काउंट कह के कुछ आ रहा है. विकी काउंट, हाँ ये ही आ रहा है, बस विकी आर्टिकल काउंट आ रहा है. जा हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर ऑन विकिपीडिया, ये आया है. कैन यू शो मी दिस, कैन यू शो अस, कैन यू शो अस द स्क्रीन? या यस. अच्छा तो फिर उसके नीचे देखिए एक विकी, हाँ वो दिख रहा है ना, wikicount.net, हाँ जो दिख रहा है यहाँ पे देखिए wikicount.net, उसमें आप गो विजिट दैट, इट विल डेफिनेटली शो यू द एग्जैक्ट अमाउंट. या 60, हाँ ओके, दैट्स अ बिग नंबर. आई एम सीइंग इट उल्टा, सो विल डू अ मल्टीप्लीकेशन और एड. क्या क्या दिखा रहा है वहां पे, बहुत सारा नंबर दिखा रहा है, 608, 978. ओके, और उसके नीचे कुछ दिखा रहा है लाइक एनीथिंग, उसके नीचे लाइक हाउ मेनी वर्ड्स पर आर्टिकल, ऐसा कुछ दिखा रहा है, बिकॉज दे एक्चुअली अपडेट दिस एज पर एवरी डे. आर्टिकल्स इन ईच इंग्लिश विकिपीडिया एज द 31st of May 2020 विद द एवरेज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1054 वर्ड्स पर आर्टिकल. Okay, 1054 words per article, right? So if we multiply that with that big number, 1054, right? Yeah. 54, multiply it. वो big number जो है वो मुझे बताइए, 60 क्या था? 608, 79, 778, 778. And if I press equal, that gives me 6.4 billion, you know. That means there are 6.4 billion words right now in Wikipedia as of today. Okay. And it will get refreshed. Sure. If you check WikiCount later, it will definitely get refreshed. Kyunki har roz update hota hai. So, visit Wikipedia hai wahan pe. Dekhiye, uske niche hi visit Wikipedia. Visit Wikipedia hai, yeah. Go there. Visit Wikipedia, yes. Today's featured article aa raha hai. क्या दिख, वो तो मैं भी अगर यहां से घुस जाऊंगा तो मुझे भी दिखेगा टुडेज फीचर्ड आर्टिकल. तो अभी सर्च, सर्च में जाइए, विकिपीडिया के सर्च में जाइए आप. हाँ सर्च में गए अभी. वेट, नाउ फ्रॉम दिस पॉइंट रिमेंबर देर आर 6.4 बिलियन वर्ड्स. आई डू नॉट वांट यू टू टेल मी व्हाट यू गोना सर्च, बट आई वांट यू टू सर्च अ नेम और अ प्लेस और समथिंग दैट विल हैव एन आर्टिकल ऑन विकिपीडिया. ओके, a name, a place or something, do not show me 6.4 billion words. Usme se kuch bhi aap type it in and search that article. Whenever you get that article, let me know. Hit search. Yeah, I searched. Now, whatever you search, does it have an article over there? Yeah. Can you scroll away? Scroll away and stop somewhere. Yeah. Now it's a randomly generated article or it's there. It's supposed to be there. It's there and I just like that I wrote and it's there. Okay. So it's randomly generated, I would guess. Yeah, like you wouldn't, you are not expecting to search that, right? Yeah, no, I was not expecting to search. Just you said, and, so I thought and did. Yeah, and out of these 6.4 billion words, you could have thought of anything. Now, jahan pe apne article mein stop kiya hai na, the article that you stopped, I want you to see a big word, a big like 7-8 letter word from that place, that paragraph. Just see and think, a 7-8 letters big word. Have you seen one? 7-8 letters, big word. So many words. Yes, are there. One. Just see one. Just see one big word. You know, a big one. Have you seen one? Got one word? Okay. Is it a big word? Yeah, it's a big word. It's like 7-8 letters big? More than that. Okay, great. Okay, great. I want you to close the tab. I mean, close the tab on the window. Yeah, close it. Close so the there's window. No way for
Yeah. Close it completely. So yeah. Out of these, you know, out of these 6.4 billion words, you searched an article, there's a randomly generated article, correct? Yeah. And you saw a word. Now, is there any possible way for me to know this word? Be honest. Of course, how you know what I see. Yeah. There's no way, right? Yeah. You're doing it there, thousands of miles away. I'm here. But yeah. I have one way of getting information. And that's what I will try to do right now. First, I want you to think of the big word, the big word that you thought of. One word which I saw here. And now you want me another word to think about? No. The word that you saw, I want you to think of it. Hmm. The 7-8 letter big word that you saw, I want you to think of it. Have you got it? Yeah. Okay, perfect. Right now, I want you to think of the first letter of that word. Hmm. Just think, don't say. Hmm. Is it R by any chance? No. Okay. Say the first letter in your mind, only the first letter, just the first letter. Hmm. I felt somewhere A, there's an A in the word. Yes or no? Hmm. Not the first letter. Not the first letter. Yeah. So look at me. I think the first letter is O by any chance. Yes? No. No, not O. Okay, what is the first letter? Tell me. You can tell B. me. B. B. Yeah. B. Okay. I want you to think of the word. Okay. And I'll try to write down a word right now on my phone. Okay. This will be hard. And if I guess this, I mean, there's no way, right? There's no way. But I'll still try. Okay. I want you to think of the word. I think any word. I can think any word which is No. The word. No. The word that you saw. The big word. 7-8 letters. Big word. Yeah. Okay. So right now, do you have any other big word in your mind? Hmm. Other than the word that started with B, do you have any other word? Yes. Okay, so you saw a couple of words then. Hmm. I was now trying to select some word for select you. Some words. Okay, so is the second word a big one? Yeah. That is also a big word. Okay, so you saw two words that's big. Yeah. Other is also think big. Okay, so think of this other word. Hmm. Did. Now this doesn't have an A in it, does it? It has A. It has, okay. Look at me. Oh, it starts with A. Does it? No. No? No. Okay. Look at me. I'm completely off the hook right now, but I'll try this still. Think of the first letter. Oh, it's C. By any chance, is it? No. Yes? No. Oh, no. Oh, there is C. Wait. There is C in the word. No, there is no C in the word. No C? No. I'm completely off the hook. I'm sorry. But I'll still try. I don't know what is happening over here. There's an A. What was the word that you searched? Just think. The article that you searched. Think. Don't say. Think. Okay. Don't say. I think. Because I'll directly try this. Okay. I'll write it down on Google. I'll write it down right over here. Think of the article that you searched. So now I'm completely out. I don't know what words you thought, what article you searched, correct? I believe I'm getting something, and if I'm wrong, I'll look very bad. But I have searched one article on Google, and I have it right now. Uh-huh.
And I'm going to show you. I think this is the article that you searched on Wikipedia. Okay, show me. Okay, so one. And if I'm right, react accordingly. One, two, three. Did you search yourself? Be honest. Yes. I did the same, you know, just like that, you know. And I got, And you so tried to trick me. You tried to trick me by searching yourself, so there's no possible way I can guess that, right? Yes, it was in my mind somehow. Okay, main apna hi pehle maine socha apna search karke dekhti hu. Sabse pehle to maine ye socha. Phir maine socha ki inko to pata hi nahi chalega ki koi zara apna to soch nahi. And then you know, so but yeah, this is really really surprising. Yeah, I search about Samira. You search. And the word, can I tell you? मैंने जो है अपने आप को दो चीजें सोच के सर्च किया. एक तो मैंने देखा चलो मैं अपने बारे में देखती हूँ कि लिखा है कि नहीं लिखा, बिकॉज अपने विकिपीडिया को आप बीच में लाए कि विकिपीडिया में इतने आर्टिकल्स हैं. तो मैंने देखा क्योंकि मेरे भी अक्सर इंटरव्यूज आते रहते हैं तो मैं कहा देखती हूँ. तो उसके बाद फिर मैंने कहा ये इनका दिमाग वहां नहीं जाएगा, तो इसलिए फिर मैंने ये दोनों शामिल किया. लेकिन उसके बाद आपने कैसे पकड़ा? I got it. आपने कैसे पकड़ा? सवाल दस. So it's based on your, because you're a journalist and you were telling me कि आप कैसे आपके सामने जो है जिनको आप इंटरव्यू करते हो उनको आप एनालाइज कर रहे हो, तो मैं आपको बस वही सेम पैटर्न में डाल रहा था कि आप कैसे सोच रही है अभी. आपके पास फ्री चॉइस है, आप मुझे दो ही चीज कर सकती है, या तो आप मैं जैसे आपको कह रहा हूँ वो वैसे आप चल सकती है, या फिर आप अपनी मर्जी से मुझे थोड़ा सा ट्रिक करने के लिए अपनी मर्जी से थोड़ा सा डिफरेंटली चल सकती है. तो यही मुझे समझना था. और मैंने एक लॉन्ग शॉट ले लिया कि आपने आप ही के बारे में सोचा है और आप ही के बारे में सर्च किया है. ग्रेट डेफिनेटली. बहुत 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 मजा आया. यू आर रियली 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 टैलेंटेड. Thank you very much. कहीं पर ऐसा हुआ कि कचरा हुआ या बहुत difficult हो रहा, कोई ऐसा show आपने किया? हाँ बिल्कुल ऐसा हुआ है. बहुत नहीं, एक दो हुआ है. एक बहुत ही prominent हुआ था जहाँ पे stage पे वो जो नाम सोच रहे हैं वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है actually, ऐसा हुआ है. और उसके बाद that person actually challenged me कि आप कभी नहीं पकड़ सकते हो. You know, he was skeptical. He was like, you cannot read this. I know maybe you're seeing it from somewhere. मैं नहीं लिखूंगा. तो I told him कि sir, let's place a bet. तो on stage in a live show full of, you know, 350 people, I did this live challenge. So sir, I'm placing a bet. I will not perform any more right now if I cannot guess your ATM pin. So I would like you to think of your ATM pin. I would like you to think of your ATM pin. He thought, don't worry, I'm not asking you to think, but that person thought. Then I wrote down a 4-digit number. I showed it to the audience at first. I said, nobody say this number out loud, but see this. If I'm wrong, I'll be embarrassed. And if I'm right, let's see. So I asked the person, sir, on the count of three, I want you to say the name or say the number that you're thinking of. So he said something 08. In the last, there was 08. And I actually wrote down that number, 08. He saw, and I kid you not, this is not made up. This is absolutely real. He left the show. He left the auditorium right then, right there. Later on, that company's MD actually came to me and told me that he left to change his ATM pin code right then and there. Great. बहुत dangerous इंसान हो. Yes. आपको कभी कोई पुलिस पुलिस में नहीं साथ में लेके गई? चलो केस नहीं सॉल्व हो रहा.
No, see, case solve करने के लिए मेरा हाथ तो नहीं है, because for me to be there and to understand, I need to see that person. I'm not like a detective who will see all the clues and everything. So I won't be able to help the police in that way. But if there is a person in front of me, I can figure out certain things about them. Great, really, really, really impressed. thank you very much. How आपने किस तरह से निकाला और आपने search about yourself? I'm really surprised. मैं अभी तक shock में हूँ actually ना. तो इतना इतने सारे मैंने interviews किए 21 years में and I never enjoyed कि मैंने किसी को interview किया हो. और जब आप अभी इंटरनेट की वजह से आपका इंटरव्यू कट गया तो मैं really I was waiting कि जल्दी से बुलाओ उनको वापस से. It's really amazing, really really good. Thank you very much. Thank you. So, tell me. Yeah, no, you're saying, telling. ये आपका profession ही है या hobby है? No, it's my full-time profession. Otherwise, how would I travel all over the world performing this, right? Yeah, okay. Great. आप audience से कुछ कहना चाहेंगे? You want to say something? Yeah, so before we end this, I would like to do one last thing with the audience and you also. So audience ko involve karke ek chota sa cheez last mein. Be ready. So audience, let's try this out. Yes, audience, please be ready to comment. And before we even begin, I have my phone with me, as you can see. Now, hamare phone hum kaise protect karte hai? How do we protect our phones? We simply put the pin with code. The passcode. The passcode, right? So I have a passcode also, and if I use this finger, it won't open, as you can see. It won't open. We can even try different numbers, it won't open. Right? You can see it says try again. If I try to, you know, open this up in any way, it'll say try again, right? Yeah. So here is the thing. Yeah. Actually, Samira, you give me a 4-digit number quickly. A 4-digit number. Abhi de do. Tell me. Yeah. 1234. That is very obvious, but that is not my passcode. 1234 isn't my passcode. So we tried. Maine do baar try kiya and you know, say another 4-digit number. Okay, another 4-digit number. Anything, but that. I'm hoping that is not my passcode also, because I have set a specific passcode before this live. 5678. 5678. Would you like to change that number? Huh? That is not very random. I mean, that is the most easiest choice a person can make. So would you like to change that number or try something different? 2134. Okay, so 2134. Yeah. It still says try again. Yeah. You can see this, right? Yeah. Still says try again. So we tried 4 to 5 times trying to open. I showed you that it doesn't unlock with my fingerprint because it unlocks with this fingerprint. And I'm not going to go near anywhere the home button. Okay, so everything's going to happen in full view. And this is an iPhone, so it's not like they have the fingerprint button on the back. So there's no way for me to do. Here's the thing. I want the audience to start commenting a single digit number between 0 and 9. Between 0 and 9, a single digit number. Audience, start. 8797. Yeah, no, only a single digit. No. Only a single digit number. We'll take only a single digit number. Please write the single digit number. Any number. Hurry up, please. Jaldi jaldi se koi. 0 and 9. 7. So what do you think? Okay, 7. Right? We'll put it right there. Now, Samira, you give me a number between 0 and 9. Two. Anything. Okay. Two. Now, audience, again comment. Another number. Another number, and I'll tell you, it's not like 8 or 6. It's not like that. So be creative, write something that you can come up with. And then Samira, you pick out the number.
जीरो क्रिएटिव जीरो एंड लास्टली द Ask the audience. I know exactly how this will turn out. So I want the audience to comment one digit, single digit between 0 and 9. And Samira, say the number and definitely pick, name that person, the last Mr. person. Mr. Zahir Khan, he picked 9. So what do you think? That would be the last digit or would you like to change your mind? No, that will be the last digit. Would you like to change your mind with any other digit, no. Samira? So 720 and then we know what's gonna be this. What did you say again? It was 7. What would be the last digit? Last was a 9. No, 720. 720. Are you sure? Watch this, Samira. Yeah. Watch this. Yeah. And you all decided with the number. You all decided with the number. Last digit. It was okay. And how? That was my passcode, genuinely 7209. 7209. ये इतनी प्यारी प्यारी tricks कैसे आपको आ गई? कोई student है आपका? I think बहुत अच्छे से. कोई student? एक I have 2 students and I only have 2 students, not more. अगर आप workshops करवाएं इस तरह की तो क्या आप करवाते हैं? किसी को सिखाने के लिए कितना time लगता है? Technically, you cannot teach these stuff. Like these are many things together, so I won't be able to teach you that. But yes, as I said, lying के पकड़ने का tips या फिर you know. How to profile someone, you can learn that, but then again, you can learn that also from any book on psychology or body language reading. Okay. Aur kitna time lagta hai students ko sikhane mein aapko? Students ko sikhane mein time lagta hai. This is because the people I taught or I teach, they are basically learning the basics of magic and the or even, you know, they are exploring the magic side of this. So it usually doesn't take much time, like not more than 3 months, 4 months. Oh. But to learn this, this actually develops with your experience and practice. Hmm. So that's how it works. ये तो कोई ऐसा लगता है कोई जिन भी नहीं आपके पास. कोई जिन है आपके पास? No. Absolutely not. But Samira, on that note, since I showed you this 4-digit number, I want you to think of a number. I want you to think of a 4-digit number, and I'm gonna type that in on my phone. I'm gonna set that as my passcode. Okay? I'm gonna set that number as my passcode. Huh. वो number मैं phone के passcode मैं अपने फोन के पासकोड चेंज कर रहा हूँ अभी. यू कैन सी एंड द ऑडियंस कैन सी एज वेल. ओके समीरा, यू कैन सी आई एम गोना चेंज माय पासकोड नंबर एंड इट्स 7. सो इट्स डन. आई हैव सेट 1 पासकोड नाउ. Just to prove that it won't ओपन विद माय दिस फिंगर. वॉच, इट won't ओपन विद माय दिस फिंगर और this finger, only it will unlock with my thumb. Mm-hmm. As you can see, it unlocks with my thumb. Yeah. Not other than that. But here's the thing. I lock the phone again. Mm. I lock the phone. Yeah. Give me a 4-digit number. Give me a 4-digit number. Not the one that you're thinking of. Not the one that you're thinking of. Okay. Say it out loud. Say it out loud. Should I say it what I thought? जो मैंने अपने हाथ में लिखा है, क्या मैं वो बोलूं? नहीं, जो अपने हाथ में लिखा है उस वो मत बताइए, कोई दूसरा नंबर बताइए. जस्ट टू प्रूव दैट इट इज जेन्युइनली लॉक्ड. 4202. कोई और नंबर भी दे सकते हो आप. वो बिरेन जी ने एक नंबर लिखा था, वो क्या था अगर याद है वो आप बता. ओके, 9787 स्टिल डजंट अनलॉक. एज यू कैन सी, इट विल ओनली अनलॉक विथ माई दिस थंब. समीरा,
I set my passcode as you were thinking of a 4-digit number, right? Uh-huh. Yeah. Can you, for the first time, show us the number? Show us all the number. And I'll type that in front of you. Or you can say, yeah, or you can say that out loud. It's 1 digit, 1 digit per number. 1 digit at a time. Okay, watch this. I'm pressing 6 over here. 2. 2. 0. 0. 1. I know exactly what you're going to say. 1. Yes. Wow. Great. That was my second attempt at figuring out what you thought. अच्छा मुझे आप एक बार बता दें कि थर्ड वर्ल्ड वॉर तो नहीं होगी ना थर्ड वर्ल्ड वॉर तो आई डोंट नो द फ्यूचर अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो द फ्यूचर आई होप नहीं होगी ओके थैंक यू सो मच रियली एंजॉयड मिस्टर इब्राहिम दखील इज सेइंग हेलो टू प्लेजर वेलकम मिस्टर इब्राहिम दखील एंड वी रियली एंजॉयड थैंक यू सो मच मुझे लगता है कि हम इसको बहुत एंटरटेनिंग बना सकते हैं और आपका जो शो होगा हम जब यहाँ पर आप आएंगे मतलब यू विल क्या कहना चाहिए आई हैव नो वर्ड आप बता मैं क्या सोच रही माइंड बॉगलिंग सो वी रियली 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 एंजॉय और कुछ आप अपने रिलीज के जो आपके फैंस हैं कुछ आप बोलना चाहते हैं कुछ right now everybody please stay safe if you're working stay safe outside if you're not working in your office and working from home stay in stay safe and we shall overcome this corona battle soon and then we'll do amazing shows together sure thank you so much for joining us I'm so happy It's been a pleasure. One of the most entertaining interview I have ever taken of anyone. Thank you. Enjoy kiya maine aur mujhe personally maza aaya and I'm sure jo dekh rahe honge unko kitna maza aaya hoga. I hope so they had fun. And as I always say life is like a Rubik's cube no matter how much you mix it up and try to solve it you won't be able to but you just need to know the magical moves. To solve life just to solve it when you need it amazing thank you I hope you enjoyed thank that you. Thank you I really clap it's a pleasure doing this and hoping to see you soon Masalam. Bye bye ji dosto to kaisa laga aapko tc the mentalist se milke main to abhi bhi shock mein hu kis tarah se unhone mujhse kaha वो वाला जो सेगमेंट था कि आप कुछ भी ब्राउज करें गूगल में और मैंने ब्राउज किया और वो विकिपीडिया में मैंने सोचा देखती हूँ मेरे अपने बारे में अगर कुछ लिखा तो क्या लिखा है क्योंकि मेरे इंटरव्यूज़ आते रहते हैं और फिर उन्होंने कैसे ये डिस्कवर कर लिया कि मैंने क्या ब्राउज़ किया है तो मैं अभी सोच रही हूँ मुझे समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ मैंने इसीलिए उनसे पूछा था कि मुझे बताएं थर्ड वर्ल्ड वॉर होगी या नहीं होगी एनीवे आई होप आपने भी इंजॉय किया होगा ऐसे ही अच्छे अच्छे लोगों से हम आपको मिलवाते रहेंगे लेकिन उसके लिए करना पड़ेगा आपने हमें सब्सक्राइब लाइक शेयर और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा जनाब हमारे यूट्यूब चैनल समीरा अजीज ऑफिशियल पे और फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर एंड स्नैपचैट को भी आपने छोड़ना नहीं है सब कहाँ सब जगह हमें फॉलो करना है सब्सक्राइब करना है अल्टीमेटली इवेंचुअली व्हाट आई डिस्कवर आई शुड से थैंक यू विकिपीडिया माय आर्टिकल इज देयर थैंक यू सरप्राइज्ड अमेजिंग एंड बीजेएम एंटरटेनमेंट मुंबई इंडिया से बीरेन बगाड़िया एंड मयूर गुप्ता और समीरा अजीज एंटरटेनमेंट से सैद अब्दुल लतीफ स्माइल विद समीरा अजीज को आप तक पहुँचाने के लिए रहते हैं हर दम मसरूफ तो जनाब इन अच्छी अच्छी बातों का सिलसिला तो जारी और सारी रहेगा हम फिर आएंगे फिर मिलेंगे आपसे किसी नई अमेजिंग पर्सनालिटी को आपसे मिलवाने के लिए टिल देन मा सलामा बाय बाय